यमुनानगर ज़िले के जो सीनियर साथी हैं उनको हुड्डा साहब का एक संदेश दिया है कि यहाँ मेयर के चुनाव में बीजेपी तथा इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए हमारे जो अपने प्रत्याशी हैं राकेश शर्मा जी जिनका रिक्शा का निशान है, एकजुट होके रात दिन एक करके राकेश शर्मा को जिताने के लिए अपना समय लगाएं, ये उनका संदेश है। और सब साथी एकजुट होकर जोर शोर से इस काम में आज से ही लग जाएंगे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो क्या है, ये नहीं है कि कांग्रेस में कोई ये फैसला नहीं हुआ है कि किसी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे कांग्रेस जन या वोट नहीं डालेंगे। बाइकाट थोड़े कर रहे हैं चुनाव का। कांग्रेस चुनाव चिन्ह पे प्रत्याशी नहीं लड़ती, नहीं उतारती। ये पिछले 50-55 साल से कांग्रेस की परिपाटी है। लेकिन कांग्रेस जन चुनाव में हिस्सा लेंगे और बीजेपी और इनेलो के गठबंधन को हराने के लिए पुरजोर मेहनत भी करेंगे और मतदान भी। मैं आपको बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी दिली इच्छा है कि बीजेपी का और इनेलो गठबंधन का उम्मीदवार हारे। उसके लिए सारे कांग्रेस जन अपने एक कांग्रेसी साथी राकेश शर्मा जी को जिताने की पुरजोर कोशिश करें। के नतीजे आए हैं, कांग्रेस ने बीजेपी को पांचों प्रदेशों में पीछे छोड़ा है।